सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और वेलकम टू बैक माय चैनल एग्जाम की। सो आज हम लोग सर्वे के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए यूज करते हैं? टाइटनिंग द कैप्स एंड हेडेड नट्स ऑफ लेवल ट्यूब, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स ओनली, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल्स एंगल्स ओनली, मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स एंगल। तो हम जानते हैं कि थियोडोलाइट का यूज हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए करते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड आउट बाई टू थियोडोलाइट मेथड। दो थियोडोलाइट मेथड का यूज हम लोग कब करते हैं? सर्कुलर कर्व रेंजिंग में, टेक्योमेट्रिक सर्वे में, जियोडेटिक सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोग सर्कुलर कर्व की रेंजिंग कर रहे थे तब टू थियोडोलाइट मेथड का यूज करते थे। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन इज नोन एज। तो आइसोगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन, ड्यूरनल लाइंस, नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि जब सेम डिक्लिनेशन होता है तो उसको हम लोग आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। जब सेम डिक्लिनेशन होता है पॉइंट के द्वारा तो वो आइसोगोनिक लाइन कहलाता है। एगोनिक लाइन कैसे कहते हैं? जब हमारा किसी पॉइंट पे जीरो डिक्लिनेशन हो जाता है तो उसे एगोनिक लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि इमेजिनरी लाइन्स विच ज्वाइंस द पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज एगोनिक लाइन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि अब ये आ जाए कि एगोनिक लाइन के लिए पूछ ले, तो आपको एगोनिक लाइन भी पता होना चाहिए। सो डायरोनल लाइन कौन सी थी? डायरोनल लाइन होती है हमारी कि जब किसी भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है, जब हमारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है तो उसको हम लोग एक दिन में, तो उसे हम लोग डायरोनल लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट है स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप, प्लेन स्लोप। तो कंटूर में हम लोग ने देखा था कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजली स्पेस कंटूर है, मतलब कि कुछ हमारा डायग्राम इस तरह बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा कंटूर बनेगा वो क्लोजली स्पेस होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा स्लोप होगा? ये हमारा स्टीप स्लोप होगा, ठीक है ना। ये स्लोप हमारा स्टीप स्लोप होगा। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूर द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन कंटूर इंटरवल, स्केल ऑफ प्लेन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कि जब हम लोग क्रॉस सेक्शन मेथड इनडायरेक्ट कंटूरिंग के लिए करते हैं तो हमें वहाँ पे कंटूर इंटरवल भी देखना होता है, प्लेन की स्केल भी देखनी होती है, स्केल ऑफ प्लेन, और ग्राउंड का करेक्टरिस्टिक्स भी देखना होता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज कंटूर विद हायर वैल्यू इनवर्ड्स रिप्रेजेंट अ। अब हायर वैल्यू इनवर्ड है तो मतलब कि हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे कंटूर में तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही। तो ऐसा किस केस में होता है? डिप्रेशन के केस में, हिलॉक, प्लेन सरफेस, नन ऑफ द अबव। तो हम लोग जानते हैं जब हिलॉक होता है तो उस केस में हमारे अंदर की वैल्यू हाई होती जाती है। सो बी इज द राइट आंसर। कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लैटनेस ऑफ ग्राउंड, लास्ट फॉर एक्यूरेट वर्क एंड नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पे जो कंटूर इंटरवल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल ऑफ द मैप के, ठीक है ना। अगर मैप की स्केल
छोटी होगी तो कंटूर इंटरवल बड़ा बनेगा। सो ए इज द राइट आंसर। द कंटूर लाइन्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस कैन इंटरसेक्ट इन द केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ और केव या ओवरहैंगिंग क्लिफ। ये क्लिफ है बेटा, डिफ लिख दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारी कंटूर लाइन्स होती है वो कब इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट एलिवेशन में, जब हमारा केव होता है और हमारा ओवरहैंगिंग क्लिफ होती है। सो टू एंड थर्ड इज द बी, या बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल ऑफ फॉर अ हिली टेरेन। तो हिली टेरेन के लिए हम लोग कंटूरिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? डायरेक्ट मेथड, स्क्वायर मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड, टेक्योमेट्रिक मेथड। तो जब हम लोग हिली टेरेन होता है तो हमारे लिए उसके लिए हम लोग टेक्योमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। द शेप ऑफ द वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइडेड इज सर्कुलर, पैराबोलिक, स्पाइरल, एलिप्टिकल। ये तो सबको ही पता होगा कि जब हम लोग वर्टिकल कर्व का शेप देते हैं तो वो जनरली हमारा पैराबोलिक होता है। सो बी इज द राइट आंसर। इफ एल इज द पेनीमीटर ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स, डेल्टा डी इज द क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर, द करेक्शन फॉर द डिपार्चर ऑफ ट्रेवर्स साइड ऑफ लेंथ एल अकॉर्डिंग टू बोर्डिच रूल। तो बोर्डिच रूल मैंने वीडियो में भी पढ़ाया था, उसमें था हमारा, याद होगा, डेल्टा डी इंटू डेल्टा डिपार्चर, जो हमारा डिपार्चर था, इंटू एक लाइन की लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। सो यहाँ पे डी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अर्थमेटिक सम ऑफ लेटीट्यूड्स ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स इज समेशन एल एट एंड क्लोजिंग एरर इन लेटीट्यूड इज डी एक्स, द करेक्शन फॉर अ साइड whose latitude is L as given by transit rule। तो जब हम लोग transit rule की बात करते हैं तो हमें पता है summation latitude होगा ना, तो यहाँ पे dx हमारा क्या दे रखा है, closing error। तो closing error होता है, तो closing error dx into एक line की length upon हमारी जो total latitude होता है, total latitude। So, A is the right answer. Next question is, for a simple circular curve, which one of the following gives the correct relation between the radius R and degree of curve D for 20 meter length? अगर 20 meter की हमारी length की है तो हमें पता है क्या होगा भाई, radius equal to 1145 को हम लोग 46 मान लेते हैं, original ये होता है, इसी को हम लोग 1146 बटा डी बी कर लेते हैं। सो 20 मीटर के लिए आंसर होगा ये, ठीक है ना। अगर यही चीज़ हमारी होती आपकी 30 मीटर चेन के लिए, तो हमें पता है कि 30 मीटर चेन के लिए होता है हमारा आर इक्वल टू 1719 बटा डी। सो बी इज द राइट आंसर हो जाता अगर 30 मीटर की चेन दी होती तो, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे ये चीज़ जो दे रखी है ये नहीं होगी, अगर 30 मीटर होता तो ये हो जाता और 20 मीटर के लिए सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टेक्योमीटर इज फिटेड विद एन एनालिटिक लेंस। तो अगर एनालिटिक लेंस की बात होगी यहाँ पे तो बताइए क्या होगा सही आंसर। एनालिटिक लेंस के लिए हमारा होगा एडिटिव कॉन्स्टेंट इज जीरो, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इज एडिटिव कॉन्स्टेंट 100 और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट 0। नहीं, ये तो नहीं था, के और सी की बात होती थी यहाँ पे। सी होता था हमारा एडिटिव कॉन्स्टेंट और के होता था मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट। तो के इक्वल टू होता था 100 और सी इक्वल टू होता था 0। सो मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इज 0 इज 100 एंड एडिटिव कॉन्स्टेंट इज 0। सो बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व टी वन एंड टी टू आर द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज, ठीक है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ टी वन एंड लॉन्ग कॉर्ड टी वन टी टू विल बी।
तो अब यहाँ की अगर बात हो रही है तो हम जानते हैं कि हमारा डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता था, डेल्टा बाई टू ना, यही तो होता था डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल बाई टू होता था। तो डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है तो डेल्टा बाई टू हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ग्लास टू द ट्रूनियन एक्सिस इज 15 सेंटीमीटर, द एडिटिव कॉन्स्टेंट इज, तो एडिटिव कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला होता था एफ प्लस डी। तो हमें फोकल लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो कितना हो जाएगा 0.25, और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास कितना दे रखा है ट्रूनियन एक्सिस का 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 इक्वल टू 0.40 हो जाएगा, जिसको हम लोग 0.4 कर सकते हैं। तो सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इफ एन अपग्रेड ऑफ 1.5% इज फॉलोड बाई अ डाउनग्रेड ऑफ 0.5% एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.2% पर 20 मीटर चेंज, सो देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व इज, तो हम लोग जानते हैं कि एल इक्वल टू क्या होगा, अपग्रेड हमारा 1.5 माइनस माइनस डाउनग्रेड, तो डाउनग्रेड है 0.5, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना है 0.2, तो 0.2 किसके लिए, 20 मीटर चेन के लिए, इनटू 20 मीटर चेन की बात हो रही है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आएगा 200 मीटर, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टाफ इंटरसेप्ट ऑन अ वर्टिकली हेल्ड स्टाफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर एंड 200 मीटर वर फाउंड टू बी 0.49 मीटर एंड 1.99 मीटर रेस्पेक्टिवली, द कॉन्स्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, ठीक है, अगर हम डी वन की बात करें तो डी वन हमारा किसके लिए 50 मीटर के लिए क्या बात हो रही है, हमारा फॉर्मूला होता है 0.49 के प्लस सी हो जाएगा इसके लिए 50 मीटर के लिए, और अगर डी टू की बात करें 200 की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा 1.99 दे रखा है, तो 1.99 के प्लस सी, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को इक्वेशन को, ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई, इसको सॉल्व करेंगे या तो फिर हम ऐसा करें कि के की वैल्यू पुट कर दें, के की वैल्यू हम उठा उठा के पुट करें, तो अगर के की वैल्यू पुट करने पर 100 और सी की वैल्यू पुट करने पर 1 आने पर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। सो हमारा जो आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कुलर कर्व आर इक्वल फॉर अ डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड फॉर्मूला था 2r sin delta by 2, ठीक है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता था r tan delta by 2। अब यहां से दोनों को सॉल्व करके हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से दोनों को जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल सबटेंडेड बाय द लॉन्ग कॉर्ड ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं 2 times ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बाई बटे 2। तो हम जानते हैं कि जो एंगल सबटेंडेड होता है लॉन्ग कॉर्ड ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व का, उसको हम लोग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं, सो ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, द रेडियल ऑफसेट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई, तो मैंने पढ़ाया था एक होता था रेडियल ऑफसेट, रेडियल ऑफसेट और एक था हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट, ये आपको दोनों ही हमारे प्रीवियस लेक्चर में समझ में आ जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट, जिसने ना देखा हो वो वहां से देख ले। तो इसका जो रेडियल ऑफसेट का जो सही आंसर था वो था डी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, ये होता था, सो डी इज द राइट आंसर।
इस प्रकार हम लोगों ने अपने 21 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सर्वे के वो हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप गाइस कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।